वेलकम टू माई चैनल। सो आज ना हम लोग जा रहे हैं उदयपुर घूमने एंड इट्स अ वन डे ट्रिप जिसमें सिर्फ हम एक दिन वहां जाएंगे और थोड़ी बहुत जगह एक्सप्लोर करके आ जाएंगे। सो आई वॉन्टेड टू टेक यू गाइज अलॉन्ग और मैं आपको दिखाऊंगी कि वहां पर हमने कहाँ कहाँ घूमे और क्या करते हैं। सो अभी हम लोग निकल गए हैं एंड आई एम रेडी। ओके गाइस, तो सबसे पहले ना हमें अपने फ्रेंड को पिक करना था जिसके लिए हम गए इस जगह पर जो है हॉलीडे होम। वो एक्चुअली गवर्नमेंट वर्कर है तो उसकी ना मतलब ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ही है और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही रुकते हैं। और ये काफ़ी सुंदर प्रॉपर्टी थी, इसका व्यू वगैरह, इसमें गार्डन वगैरह काफ़ी अच्छा था। काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है और ये जो इनका स्टे होता है ये फ्री होता है उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। ये है यहाँ पे रूम्स और काफ़ी खुला खुला इन्वायरमेंट है बट ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ही है। सॉरी हमने ना अपनी कार वहीं पार्क कर दी थी क्योंकि यहाँ से ना वॉकिंग डिस्टेंस था और अंदर पार्किंग का कोई भी जगह नहीं थी और वहाँ पर अंदर गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं था तो आपको वॉकिंग डिस्टेंस करके ही जाना होगा। लेकिन वो ज़्यादा नहीं था, मतलब विद इन 1 किलोमीटर आपका सिटी पैलेस और गंगोर घाट आ गया था। तो हम ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस पे गए। यू कैन ऑल्सो डू स्ट्रीट शॉपिंग इन उदयपुर। यहाँ पर ना बहुत अच्छी अच्छी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पर होम डेकोर का सामान है, ड्रेसेस हैं, अलग कोट सेट्स और डिफरेंट टाइप के कंफर्टेबल प्लाजो टॉप वगैरह सब अवेलेबल होते हैं तो आप शॉपिंग भी यहाँ पर पक्का ट्राई कर सकते हो। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ना सिटी पैलेस जा रहे थे तो सिटी पैलेस जाते हुए हमको दिखा ये बीच में गंगोर घाट और यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा क्राउड था, मौसम ज़्यादा धूप का नहीं हो रहा था लकीली तो ना यहाँ पर काफ़ी लोग रुके हुए थे और यहाँ पे ना प्री वेडिंग शूट्स भी हो रहे थे जैसे जो इन लोगों को प्री वेडिंग शूट कराने होते हैं ना ऑफिशियली तो वो यहाँ पर फोटोग्राफ्स उनके प्री वेडिंग शूट्स भी कर रहे थे। तो ये काफ़ी सुंदर जगह थी, यहाँ पर बहुत अच्छा लेक व्यू था। यहाँ पे ना सारे राजस्थानी कल्चर की ड्राइंग वगैरह हो रखी थी, ये बहुत ही अच्छी जगह थी। अगर इवनिंग में आप यहाँ आते हो ना तो आप यहाँ ज़रूर आना, ये प्लेस वर्थ वॉचिंग है और यहाँ से ना सारा उदयपुर का व्यू बहुत अच्छा दिखता है आगे का। तो आप अगर सिटी पैलेस वाली रोड पे जा रहे हो तो इस गंगोर घाट को ज़रूर देखना।
पे गए गंगोर घाट घूमने के बाद हम लोगों को भूख लग गई थी, तो हम गए ये एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम मैं मेंशन कर दूंगी। और यहाँ पे ना हमने कुछ ऑर्डर किया, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी और नूडल्स। यहाँ का खाना ओके ओके था, हमें इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा पर बेकार भी नहीं लगा, मतलब हमें ठीक लगा यहाँ का खाना। और हमने छोले भटूरे भी ऑर्डर किए थे और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। उसके बाद हम लोग चले गए सिटी पैलेस के लिए। सिटी पैलेस जाने का रास्ता वहाँ से अराउंड 300 मीटर ही कुछ था, तो हम सिटी पैलेस पहुँच गए। सिटी पैलेस पहुँचने के बाद ये बहुत ही बड़ी एंट्री गेट था वहाँ पर। फिर ऑलमोस्ट हमें शाम हो गई थी, हमने शाम की एंट्री फीस ली, तो वहाँ पर ना 6 बजे के बाद शायद एंट्री बंद हो जाती है, तो हम लोगों ने अपना एंट्री के लिए टिकट्स वगैरह सब पहले ही ले ली। और वहाँ पे जो हमें कॉस्ट पड़ी थी वो पड़ी थी पर एडल्ट 300 रुपीज़। तो अगर आप जाते हो तो पहले से आप बुक कर सकते हो 300 रुपीज़ का, और चिल्ड्रन का वहाँ 100 रुपीज़ लगता है। और ये ना वहाँ के टिकट प्राइसेस है, आप देख सकते हो किस तरह से उनके टिकट्स होते हैं। सिटीज पैलेस का ना ये बहुत ही सुंदर एंट्री गेट था। और गाइस अगर आप उदयपुर जा रहे हो आप एक बार सिटी पैलेस ज़रूर देखना, वो बहुत ही सुंदर एंटीक, उन्होंने अपना कल्चर हेरिटेज वहाँ के जितने भी राजा रहे हैं सबके बारे में नॉलेज वगैरह आपको सब मिल जाएगी। Hey. At City Palace, Udaipur. So I'm here for the very first time, and I will share my experience with all of you. So come with me. बस बोलो आगे उधर जाना है, पीछे कहाँ जाना है? वो लोग किधर गए? वो लोग गए हैं, वो तो पानी भरने गए हैं। वो तो उस फोटो खींचने के लिए बुला रहा था। Entrance. That is the main entrance. Now we are going inside. Here we have the area of parking. This is the main entrance, guys. So यहाँ पर टिकट्स दिखा दी हैं। Now we are entering the museum. सिटी पैलेस काफी बड़ा है, आप देखते देखते थक जाओगे लेकिन आपको अच्छा लगेगा। काफ़ी यूनिक यूनिक चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं, वो म्यूज़ियम वर्थ वॉचिंग है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है, मतलब आप उसे देखते देखते थक जाओगे, उसमें काफ़ी लंबा आपको टाइम लग जाता है। तो हम लोग ना उसमें 1-2 घंटा हमको लगा, फिर हमने फ़ोटोज़ भी खींची, वीडियोज़ भी बनाई, उसके साथ हमें 1-2 घंटा लगा हम पूरा उस म्यूज़ियम को घूमें। उन्होंने म्यूजियम में सारी चीजें रख रखी हैं। हाँ यहाँ पे आ जाओ, यहीं पे सामने खड़े हो जाओ, अच्छी आएगी। और गाइस वहाँ का जो आर्किटेक्चर है ना वो बहुत पुराना है, जैसे राजाओं के टाइम पे वहाँ महल बने होते थे ना उस टाइप का आर्किटेक्चर, वो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। मौसम ना शाम का हो रहा था तो उसके साथ व्यू वहाँ का बहुत ही अमेजिंग आ रहा था।
और अगर आपको थोड़ा भी हिस्ट्री वगैरह में इंटरेस्ट है ना, या हमारे राजा वगैरह के बारे में जानने में, तो आप सिटी पैलेस में ज़रूर जा सकते हो। वहाँ पर आपको उनकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और ये वन टाइम वॉच तो है ही, एक बार तो आप यहाँ ज़रूर जाओ। इस जगह की ब्यूटी ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। फिर म्यूज़ियम से आने के बाद हमारा बीच में पड़ा जगदीश टेम्पल, ये टेम्पल भी वहाँ काफ़ी फेमस और पुराना टेम्पल है। तो ये ना हमें गंगोर घाट और सिटी पैलेस के रास्ते में पड़ा, तो हमने यहाँ पर दर्शन किए। और ये भी काफ़ी पुराना टेम्पल है, यहाँ पर विष्णु जी की मूर्ति है, और हमने यहाँ पर भी दर्शन किए। आप भी यहाँ ज़रूर जा सकते हो। और काफ़ी शाम के टाइम में रश भी होता है, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ अच्छा, मतलब बहुत अच्छा है घूमने का। अगर आप उदयपुर में शाम के टाइम घूमते हो, जब धूप वगैरह नहीं होती, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। हमको भी ना यहाँ बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम लोग जगदीश टेम्पल से निकले। फिर गाइस जगदीश टेम्पल से ना वापस निकल के हमने थोड़ी सी चाय वगैरह पी, और उसके बाद ना हम लोग वापस गंगोर घाट गए, क्योंकि वो रास्ते में ही पड़ता था। तो गंगोर घाट का व्यू शाम में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर। वहाँ पे लेक का व्यू और जो सामने बिल्डिंग्स वगैरह थी उनकी लाइटिंग से लेक का व्यू भी बहुत प्रिटी आ रहा था। उस टाइम इतनी अच्छी वीडियोज़ वगैरह, फोटोज़ वगैरह वहाँ क्लिक हो सकती थी। और हमारा हमारे फ्लैग की लाइटिंग भी ऐसे लगी हुई थी, इंडियन फ्लैग की, तो वो काफ़ी अमेजिंग व्यू था। और शाम के टाइम ना वहाँ बहुत रश भी होता है, बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं और बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग इंजॉय करते हैं। शाम के टाइम वो पूरा भरा होता है। और यहाँ पर इसी के पास में यहाँ कॉफ़ी शॉप्स, चाय की और सब चीज़ें हैं। अगर आप वहाँ पे बैठ के इंजॉय करना चाहते हो ना, आप आराम से कर सकते हो। हम शाम के 7-8 बजे वहाँ पहुँचे थे, और हमने फिर वहीं पे चिल किया। उसके बाद बस यही हुआ गाइज, आज हमने 3 जगह एक्सप्लोर करी। एक थी सिटी पैलेस, एक थी गंगोर घाट, और एक था हमारा जगदीश टेम्पल। और एक दिन के हिसाब से आप यहाँ तीनों जगह पर आराम से घूम सकते हो फ्रीली। और ये जगह बहुत ही अमेजिंग है, और सिटी पैलेस तो वर्थ वॉचिंग है। सिटी पैलेस उदयपुर की शान है, तो यू शुड डेफिनेटली वॉच। अगर आप एक दिन के लिए जा रहे हो, तो आप इन तीनों चीज़ों को ज़रूर एक्सप्लोर करो। और अगर मौसम अच्छा होता है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है फिर तो। सो या गाइज, दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। हमने पूरे एक दिन में उदयपुर में यही किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।